गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर नंबर सिस्टम। टुडे विल सी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, तो आज हम टैकल करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह की आएंगी, किस तरह आपको सॉल्व करना है, क्या करना है। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, आप जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब क्वेश्चन में अगर बोलता है टोटल, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में बोलता है ऑल, या फिर क्वेश्चन में बोलता है टुगेदर, तो इन सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टू नंबर्स को, थ्री नंबर्स को आपस में ऐड करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता है, अगर आपको क्वेश्चन बोलता है लेस, ठीक है, या क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बोलता है डिक्रीज, ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एक और रूल आपका, एक और रूल ये है आपका कि अगर जब वन नंबर के लिए बोलता, वन एक चीज़ के लिए बोलता है और आपको बहुत सारी चीज़ के लिए निकालना है, तब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ के लिए फाइंड आउट किया हुआ है और हमें वन के लिए निकालना है, तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपका बेसिक है वर्ड प्रॉब्लम का, जो आपको समझ के चलना है कि जैसे मैंने बोला कि एक चॉकलेट, मेरी जो एक चॉकलेट है वो मेरी 5 रुपीज़ में आ रही है। ठीक है, तो 10 चॉकलेट्स कितने की आई, तो 5 × 10, तो ये हो गया 50। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और जब टोटल, ऑल टुगेदर या फिर इंक्रीज ये दिया होता है, तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में प्लस करना है। जब आपको क्वेश्चन में लेस, लेफ्ट, डिक्रीज ये दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन को माइनस करना है। अगर एक ऑब्जेक्ट के लिए दिया है, आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है। और आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है और आपको एक के लिए निकालना है, तो आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, अ बिजनेसमैन अर्न दिस मच ऑफ मनी इन द ईयर 2014, नेक्स्ट ईयर हिज अर्निंग वॉज इंक्रीज बाई दिस मच, वॉट वॉज हिज अर्निंग इन द ईयर 2015। अब 2014 में एक पर्सन था, उसने इतना अर्निंग किया, ठीक है, तो उसने इतना कर लिया। ठीक है, मतलब उसने कितना किया आपके पास में, 36,48,970 रुपीज़ आप उसने अर्न किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसमें नेक्स्ट ईयर जब 2015 आया, तो उसका जो अमाउंट था वो इतना इंक्रीज हुआ। हमें 2015 का अमाउंट नहीं दिया, बट हमें ये दिया है कि मेरी जो प्रीवियस इनकम थी, उस पर्सन की जो प्रीवियस इनकम थी, उसमें उसका इतना का इंक्रीमेंट हुआ, इतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज हो गया। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जब इंक्रीज दिया होता है, तो आपको क्या करना, ऐड, तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दोगे, तो आपको क्या, उस मैन की परफेक्ट सैलरी जो 2015 में हुई है, 14 और 15 को दोनों को मिला के, जो इंक्रीमेंट को मिला के और 2014 की जो सैलरी उनको मिला के जो नंबर आएगा, वो आपका ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट का क्वेश्चन बोल रहा है, अ सर्वे शोज दैट, एक सर्वे कर रहे हैं, एक मतलब जा रहे हैं हम कहीं पे, कहीं गए हैं, वहाँ पे देखा है हमने, घूम के हमने देखा है कि पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इज दिस मच। आंध्र प्रदेश एक स्टेट है जिसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है, वो इतनी है। ठीक है, दैट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के कंपेयर करें तो कर्नाटका की इतनी है और आंध्र प्रदेश की इतनी है। एंड दैट ऑफ केरला इज इतना, एंड केरला की इतनी है, तो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज थ्री स्टेट्स। तो क्वेश्चन मैंने वही बताया था कि जब क्वेश्चन में टोटल आ जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब क्वेश्चन में टोटल आ गया, मींस आपको क्या करना है, ऐड, मींस आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको ऐड करना है, इस नंबर को आपको ऐड करना है, और इस नंबर को आपको ऐड करना है, और इन तीनों नंबर्स को ऐड करके आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नीचे आंसर लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका, पॉपुलेशन ऑफ केरला, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्टेट्स हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, एग्जांपल 3 कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज दिस मच, किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंस है ये है, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस मच एंड द छोटा वाला नंबर मेरे पास में ये है, फाइंड द ग्रेटर नंबर, तो मेरे पास में ग्रेटर नंबर निकालिए। मैंने बताया था आपको कि हरदम डिफरेंस हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को डिफरेंस करते हैं, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें कोई भी दो नंबर का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, किसी भी दो, हम क्योंकि जो दो नंबर को जब आपस में माइनस करते हैं, जो आंसर हमें आता है, वो रिजल्ट हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट जो है, हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास गिवन है 9476583। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में मेरे को स्मॉलर नंबर मेरे पास में दिया हुआ है कितना,
7, 4, 5, 3, 7, 8 एंड दिस वन इज 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे क्या कह रहा है कि एक रिजल्ट दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे। सो इसको अब जब सॉरी माइनस करना है तो ये दिया हुआ, इसको करना है प्लस, क्योंकि माइनस करना है तो जब वो इधर से इधर आएगा। चलो मैं आपको ये छोड़िए, इस तरह से नहीं करवाऊँ, दूसरे तरीके से देखिए कि मेरे पास में, मैंने कल आपको एक्स फॉर्म में बताया था, ठीक है। एक्स फॉर्म में क्या बताया था कि एक्स वन, ठीक है, माइनस एक्स टू, मेरे पास में एक रिजल्ट आता है, ठीक है। जब मेरे को क्या निकालना है कि एक्स वन निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास में क्या दिया हुआ है रिजल्ट, और माइनस का ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आई टू, मतलब सेकेंड नंबर, ठीक है। अब रिजल्ट प्लस आई टू, तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ वही कर रही हूँ मैं, प्लस कर रही हूँ, तो 7 + 3 कितना हो गया मेरे पास में 0, 7 + 3 मेरे पास में आ गया 0, फिर यहाँ पे आ गया 13 और कैरी ऊपर चढ़ गया तो 5.10 और 11, फिर उसके बाद में ये हो गया 0 एंड दिस वन बिकम्स 15 एंड दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 16, ये आपका आंसर, समझ आ गया, ठीक है। जब भी डिफरेंस का, और दूसरा एक लॉजिक लगा लीजिए कि जब भी डिफरेंस के लिए बोलता है, डिफरेंस का रिजल्ट दिया हुआ है और आपको एक नंबर दिया हुआ है, तो आप जब डिफरेंस बोल रहा है तो आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, और जब क्वेश्चन में ऐड बोलता है तो आपको दो नंबर्स को आपस में डिफरेंस करना है, ये भी याद रखिए। मतलब दो नंबर मीन्स रिजल्ट माइनस वन नंबर, और रिजल्ट प्लस वन नंबर जब डिफरेंस होता है, और एडिशन हो गई तो रिजल्ट माइनस वन नंबर होगा, और डिफरेंस के टाइम पे रिजल्ट प्लस फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द ईयर 2014 वाज दिस मच, पॉपुलेशन 2014 में एक सिटी की पॉपुलेशन इतनी थी, इन द फॉलोइंग ईयर द पॉपुलेशन बिकम दिस मच, फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी होगी। पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 इतना हो रहा है, पॉपुलेशन इन ईयर 2014 इतना हो रहा है, ठीक है। और अब इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, मतलब 2015 से 2014 के बीच में कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, तो मतलब क्या करेंगे हम आपस में इन दोनों को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ कह रहा है 2014 की मेरे पास में ये है पॉपुलेशन मेरी, मतलब जनसंख्या इतनी है, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में मेरी जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो गई, ठीक है, इतनी हो गई, तो वह फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो कितनी इंक्रीज हुई 14 से 15 के बीच में, कितनी इंक्रीज हुई, तो क्या करेंगे 15 का जो बड़ा नंबर है उसमें छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो आपके पास में इंक्रीज पॉपुलेशन आ जाएगी इस नंबर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देर वॉज अ स्टॉक ऑफ दिस मच क्विंटल्स ऑफ वीट इन अ गोडाउन ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक गोडाउन है, मतलब हम जहाँ पे अपना चीज को स्टोर करके रखते हैं, हमारा जो स्टोर रूम है आप वो समझ लीजिए, उसमें गवर्नमेंट का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का होता है, जिसमें गवर्नमेंट ने इतने क्विंटल्स ऑफ गेहूँ स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। आउट ऑफ द दिस स्टॉक, और इतने से स्टॉक में इतने क्विंटल ऑफ वीट वॉज सेंड टू हरियाणा, तो इतने जो क्विंटल था उसमें से इतना जो टोटल इतना था, ठीक है, इसमें से इतना स्टॉक जो है वो आपको कहाँ भेज दिया, उस सरकार ने हरियाणा को भेज दिया, और इतने क्विंटल्स कहाँ भेज दिया, पंजाब में भेज दिया, तो पूछ रहा है हाउ मच इज द बैलेंस स्टॉक नाउ, तो अभी बैलेंस स्टॉक कितना हुआ, ठीक है। तो बैलेंस स्टॉक के लिए देखिए, पहले क्या है कि जो मेरे पास में ये वाला जो अमाउंट है ये मेरा कहाँ भेज दिया, हरियाणा को भेज दिया, ठीक है, और ये वाला जो मेरा कहाँ है वो किसको भेज दिया, पंजाब को भेज दिया। तो पहले क्या करिए, हरियाणा और पंजाब के स्टॉक को दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आपके पास में दोनों का आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने इतना क्विंटल्स जो वीट है वो अब तक बेचा है, तो इन दोनों को ऐड करने से आपके पास में इतने टोटल क्विंटल्स आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो क्विंटल्स आया ये किस में आया, कि वो जो मैंने पहला जो टोटल स्टॉक था जिस जो ये मेरे यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब टोटल जो क्विंटल्स दिए हुए हैं 17, आपको जो टोटल क्विंटल्स दिए हुए हैं आपको क्या करना है, उसमें से 1, 7, 3, 8, 0, 2, 4, 5 ये दिए हुए थे, इसमें आपको माइनस कितना करना है, कितना 2, 5, 8, 9, 1, 6 एंड 7 इसको माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 9,
760393 ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक चीज़ है जिसमें, जैसे कि मैंने मान लो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि मेरे पास में टोटल 10 चॉकलेट्स थी, ठीक है, जिसमें से मैंने मैंने 2 चॉकलेट मैंने खा ली, ठीक है, और 4 चॉकलेट्स मैंने मेरे मेरे ब्रदर को दे दी, ठीक है, हम दोनों ने टोटल कितने खा ली, 6। तो अब मेरे पास में कितना कितनी बच गई, तो क्या किया मैंने, 10 माइनस 6 किया, क्योंकि हमने इतनी तो हम दोनों ने खा ली, ठीक है। अब मेरे पास में क्या बचा, 10 माइनस 6, मतलब मेरे पास में कितनी बच गई लेफ्ट ओवर, 4 चॉकलेट्स मेरे पास अभी बची हुई हैं। तो ये था एक छोटे नंबर में। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि बड़ा ये यहाँ पे थोड़े डिजिट बड़े हैं, बट क्वेश्चन सेम वही है कि आपके पास में इतना टोटल इतना क्विंटल ऑफ गेहूँ था, जिसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा क्विंटल किसको दे दिया, हरियाणा को दे दिया, और थोड़ा सा पंजाब को भेज दिया। तो आप पूछ रहा है कि कितना बैलेंस बच गया, कितना बच गया रिमेनिंग सरकार के पास में, तो मैंने क्या किया, हरियाणा और पंजाब के जो क्विंटल्स थे उनको आपस में ऐड कर लिया, उसमें जो उनका जो आंसर आया उसमें से मैंने क्या किया, जो टोटल क्विंटल गेहूँ थे मेरे को उसमें मैंने उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास में ये आ गया कि जो लेफ्ट ओवर जो मेरे पास में स्टॉक था वो ये है मेरा। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज़ के लिए दिया हुआ है और बहुत सारी चीज़ के लिए निकालना है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और जब बहुत सारी चीज़ के लिए दिया हुआ है और हमें एक अमाउंट के लिए निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ ए स्टील अलमीरा इज दिस मच, इसका ये जो एक स्टील की अलमीरा अलमारी है जिसका कॉस्ट है 22,875। अभी हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 465 सच अलमीरास। तो मुझे अब इतनी अलमारियों के लिए निकालना है कि इतनी अलमारियों का कॉस्ट कितना होगा, तो क्या करो, डायरेक्ट इस नंबर में 22,875 में से 465 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा ये चीज़। सुन में आ रहा है? नेक्स्ट, मेरे पास में 6,895 स्क्रूज हैं, कैन बी पैक्ड इन 1 कार्टून। तो ये इतने जो स्क्रू हैं, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा, स्क्रू जो आपके टेबल में और सब में जो नट बोल्ट और ये स्क्रूज होते हैं, ये हैं जो ये मैंने किस में एक कार्टून में पैक किए। तो मेरे एक कार्टून में मेरा जो कार्टून में है उसमें इतने सारे जो हैं, इतने सारे मेरे स्क्रू क्या हो रहे हैं, पैक, इतने सारे पैक हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने सारे ये पैक हो गए, ठीक है, आपको क्या निकालना, हाउ मैनी स्क्रूज कैन बी पैक्ड इन 1,685। तो 1,685 कार्टून्स में कितने पैक होंगे, सो आपको क्या करना है कि एक कार्टून का आपको दिया हुआ है 6,895, तो आपको निकालना कितने के लिए है कि आपको 1,685 कार्टून्स के लिए कितना होगा। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे ये आ जाएंगे कि कितने स्क्रूज इतने कार्टून में डलेंगे। छन में आ रहा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मास ऑफ ईच गैस सिलेंडर इज 16 kg 250 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 18 सच सिलेंडर्स। अब मेरे पास में यहाँ पे एक सिलेंडर गैस है, ठीक है, उसका जो वेट है वो है 16 kg 250 ग्राम, ठीक है। अभी व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 18 सच सिलेंडर, अब 18 सच सिलेंडर के लिए कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, सेम वही चीज, एक गैस सिलेंडर क्या कितना है, वेट इतना है, तो 18 गैस सिलेंडर्स का वेट कितना होगा, तो एक सिलेंडर के के वेट में से आप क्या करो, 18 सिलेंडर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि इतना मास होगा 18 सिलेंडर्स का। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट आइए, द पीस ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट इज 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 85 सेंटीमीटर लग रहा है, तो आपको 16 शर्ट बनाने के लिए कितने कपड़ा लगेगा, तो आप क्या करेंगे, एक शर्ट के जो रिक्वायरमेंट है, क्लोथ लग रहा है, उसमें 16 को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास में इतना आंसर आ जाता है। सुना रहा है आपको? ठीक है, वही सेम मैंने बताया था कि एक अमाउंट के लिए दिया है, बहुत सारे अमाउंट के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 16 फ्लैट्स, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब मेरे को यहाँ पे कितने के लिए दिया हुआ है, 16 फ्लैट्स के लिए दिया हुआ है, मतलब बहुत सारा अमाउंट दिया हुआ है और मुझे एक अमाउंट के लिए निकालना है, तो मुझे निकालना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, ईच मतलब वन,
वन फ्लैट के लिए कितना होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टेड बाय यूपी आवास एंड विकास परिषद इज दिस मच, सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। अब हर एक फ्लैट का कितना अमाउंट हुआ ये निकालना है। तो 16 फ्लैट का अमाउंट है मेरे पास में इतना दिया हुआ है और मुझे एक के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास अमाउंट दिया है उसको डिवाइड कर दूंगी 16 से, तो मेरे पास में कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, फॉर मेकिंग 16 शर्ट्स मेरे को क्या बनाने हैं, 16 शर्ट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे पास में फॉर मेकिंग 16 शर्ट्स 44 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज नीडेड। अब मेरे को 16 शर्ट बनाने के लिए मेरे को कितना लगा, 44 मीटर क्लोथ कपड़ा लगा, ठीक है। तो हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। अभी यहाँ पर देखिए नीचे ऐप पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पीस ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर एक शर्ट, मतलब वन शर्ट के लिए आपके पास में 2 मीटर 85 सेंटीमीटर था एक शर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने कितने के लिए निकाला था, 16 शर्ट्स के लिए निकाला था, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। सेम एज इट इज एग्जाम्पल 11 है, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, इसमें आपको ऑलरेडी 16 शर्ट्स का मेजरमेंट क्लोथ दे दिया कि 16 शर्ट के लिए 44 मीटर क्लोथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आपको निकालना हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट, तो एक शर्ट के लिए कितना होगा। यहाँ पे आपको एक शर्ट के लिए दिया हुआ था, ठीक है, एक शर्ट के लिए 2 मीटर 85 सेंटीमीटर दिया हुआ था, आपको 16 के लिए निकालना था। यहाँ पे आपको 16 शर्ट का दिया हुआ है, आपको एक के लिए निकालना है, तो सेम एज इट इज वही करेंगे, आपको यहाँ पे 44 को डिवाइड कर देंगे 44 को डिवाइड कर देंगे 16 से, तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये आपका होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आकार कवर्स, एक कार है वो कवर कर रही है 1002 किलोमीटर इन 16 आवर्स, एक 16 घंटे में 16 आवर्स में वो इतना किलोमीटर जा रही है, ठीक है। वो एट व्हाट स्पीड पर आवर डज द कार मूव, तो एक घंटे में कार कितना गई, मतलब 16 डिस्टेंस कवर्ड इन 16 आवर्स में एक जो कार है वो 1002 किलोमीटर कवर कर रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो डिस्टेंस 1 आवर में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपको क्या करना है 1002 किलोमीटर को डिवाइड करना है 16 से, तो 16 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 62 किलोमीटर 625 मीटर। तो द स्पीड ऑफ कार इज 16 किलोमीटर 625 मीटर पर आवर। समझ में आ रहा है आपको, ये आपके क्वेश्चंस थे 12 क्वेश्चंस से, सेम जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं सेम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नीचे दिए हुए हैं, आपके पास में 30 क्वेश्चंस हैं, आप इनको कीजिए और उसके बाद में आपको इनको चेक करना है कि आपने इनको सही से किए हैं कि नहीं किया। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बताती हूँ मैं आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सेम है, जो मैंने ऊपर करवाए हैं सेम मोस्टली सेम ही हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पे मैंने ये फाइंड हाउ मेनी वोट्स आर रजिस्टर्ड, कितने वोट रजिस्टर हुए ये देखना है, अब ये भी सेम है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, ये भी आपको वही सेम मैंने अभी करवाया था, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल्स दिए हुए हैं, आपको फीमेल निकालना है तो क्या करोगे आप, इतने में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे आपको टोटल, जैसे आपको क्लास में एक क्लास के में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 15 गर्ल्स हैं, तो 15 क्या बच गए, बॉयज़, कैसे निकाला, 30 माइनस 15 किया तो बॉयज़ निकल गए। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉपुलेशन ऑफ सिटी है, इसमें से आपको क्या करना है, मेल्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगी, नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बाय हाउ मच इज दिस मच लार्जर देन दिस मच, कि आपको क्या करना है, हाउ मच निकालना है, मतलब कितना हुआ, ठीक है। दिस नंबर लार्जर देन दिस नंबर मीन्स इस नंबर में से, पीछे वाले नंबर में से जब आप आगे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास में आपको नंबर निकलेगा कि ये आगे वाला नंबर उतने नंबर में से कितना बड़ा है। समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 4, 6, 5, 8, 6, 4, 2 को माइनस करना है कितने से, 0, 1, 5, 6, 4, 2, 3, 1, हाँ सॉरी, मतलब आपको क्या करना है, इसमें से इसको हाँ गलत लिख दिया, वो ऊपर की तरफ आएगा और वो नीचे की तरफ आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
वेट, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हाउ बाई हाउ मच, मतलब हाउ मच क्वेश्चन में जब भी आता है कि हाउ मच कितना होगा, इज दिस नंबर ये नंबर लार्जर देन दिस नंबर, इस नंबर से ये नंबर कितना लार्जर होगा, ये निकालना है। मीन्स आपको क्या करना है कि वन वन थ्री 1, 3, 2, 4, 6, 5, 1, 0 में से आपको माइनस करना है कितना, पीछे से स्टार्ट कीजिए, 2, 4, 6, 8, 5, 6, 4, इनको माइनस, ठीक है। अभी नीचे लिखा है बाई हाउ मच इज दिस नंबर स्मॉलर देन 1 करोड़, अब 1 करोड़ में ये नंबर कितना स्मॉलर होगा, तो आपको वही चीज़ सेम चीज़ ऐसे ही करनी है कि 1 करोड़ में ये नंबर कितना छोटा हुआ, तो इसमें से 1 करोड़ में से इस नंबर को माइनस कर दीजिए, तो पता लग जाएगा आपको कितना आप कितना नंबर ये छोटा है, ठीक है। बाई वॉट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू गेट दिस मच, आपको सब्ट्रैक्ट करना है कि इस नंबर में हम फ्रॉम, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इसमें से हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये नंबर आ जाए, ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, जब मैंने बताया था क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको ऐड करना है, आपको दोनों चीज़ों दोनों को करना है, पर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब फर्स्ट नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता है, तो आपको ये निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये एंड रिजल्ट को इधर लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ प्लस था, ठीक है। तो ये इस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस आर इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का एक्स, तो एक्स इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस द रिजल्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपको ये आंसर पता लग जाएगा कि कितना हुआ, ठीक है। 6, 7, 8, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट पे बोल रहा है आपको कि आपके पास में सम ऑफ टू नंबर्स, आपके पास में कोई भी दो नंबर्स का सम दिया हो तो बहुत इजी है, ठीक है। वन ऑफ देम इज इतना, व्हाट इज द अदर नंबर, तो मतलब आपको फर्स्ट नंबर रिजल्ट दिया हो, टोटल दिया हुआ है, आपके पास में एक नंबर दिया, आपको अदर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट में से इस नंबर को आपको माइनस करना है, मतलब आपको इस ये जो नंबर है इसमें से आपको इसको माइनस करना है, ठीक है, समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, आपके पास में कितना मनी लेफ्ट हुआ है, लेफ्ट मतलब आपके पास कितना बचा है, मीन्स आप क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका माइनस का, ठीक है। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है या फिर होता है, आप एग्जाम्पल पे जाइए, एग्जाम्पल को एक बार देखिए, गो थ्रू विद योर एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई हैव सॉल्व ऑल योर एग्जाम्पल्स, यू हैव टोटल 12 एग्जाम्पल्स, 11 और 12 एग्जाम्पल्स, ऑल द एग्जाम्पल्स आर कवर्ड इन दिस एक्सरसाइज, सो जितना भी हो सके आप इन एग्जाम्पल्स को एक बार, सबसे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप एग्जाम्पल को देखिए कि एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज पे जाइए, क्योंकि अगर एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए तो एक्सरसाइज तो इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है। सो आपको क्या करना है, एक बार एग्जाम्पल की तरफ जाना ही जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द कॉस्ट ऑफ ए चेयर, एक चेयर की दी हुई है, बहुत सारे चेयर्स की निकालनी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे दिया हुआ फूड फैक्ट्री प्रोड्यूस इतना स्क्रूज पर डे, मतलब एक दिन में इतना प्रोड्यूस कर रही है तो इतना कितना करेगी, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एवरी मंथ हर एक मंथ में इतना हो रहा है, तो आपको कितने के लिए निकालना है, 13 ईयर्स के लिए निकालना है, तो एवरी मंथ मिस्टर भास्कर सेव्स, मतलब हर मंथ वो इतना सेव्स कर रहा है, तो आपको कितने के लिए निकालना है, 13 ईयर्स के लिए निकालना है, सेम चीज़ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कूटर कॉस्ट, एक स्कूटर की कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वही चीज़ एक स्कूटर की दी हुई है, आपको 487 स्कूटर्स के लिए निकालना है, ठीक है, सेम चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है, अभी मैंने वहाँ कार के लिए बताया था, यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में 1 आवर में इतना किलोमीटर जा रहा है, तो 72 आवर्स में कितना जाएगा, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो एग्जाम्पल था 12, उसमें हमने डिवाइड किया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट सेकंड नंबर के साथ में प्रोडक्ट हो रहा है और इसको आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्या कर रहा है, एक नंबर दिया हुआ है, आपको सेकंड नंबर निकालना है, मतलब आपको सेकंड नंबर निकालना है और आपको फर्स्ट दिया हुआ तो रिजल्ट में डिवाइड कर देंगे आप फर्स्ट नंबर को, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। जब क्योंकि जब प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है ही। तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ द नंबर, अगर एक नंबर आपका इतना है तो फाइंड द अदर, तो आपको अदर करना है, समझ में आ रहा है। इफ 36 फ्लैट्स का इतना है तो आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, आपको एक फ्लैट की कॉस्ट निकालनी है, मीन्स आपको यहाँ पर क्या करना है, इनको आपस में दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे हैं जैसे मैंने बताए थे, सेम वैसे के वैसे हैं, आपको यहाँ करना है। देखिए यहाँ पे शर्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पे, इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर क्लोथ ऑफ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट, तो 16 सच शर्ट के लिए कितना होगा, तो वही मल्टीप्लाई, एक लेंथ के लिए, एक क्लोथ के लिए, एक शर्ट के लिए इतना लेंथ दिया हुआ है तो 16 के लिए निकालना है, ठीक है। द मास ऑफ अ ब्रिक, एक एक ब्रिक जो एक ईंट होती है, एक ब्रिक का जो मास है वो इतना दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 14 के लिए, तो 14 के लिए निकालना है सेम एज इट इज, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट सेम चीज़ है यहाँ पे भी, द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ सेम साइज इज इतना, व्हाट इज़ द मास ऑफ सच पैकेट, तो सच पैकेट्स कितना होगा, तो यहाँ पे 8 के लिए दिया हुआ है तो आपको 8 के लिए निकालना है, तो सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अ रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ सेम लेंथ, अब 10 मीटर की एक रोप है जिसको आप 8 पीसेस में आपको कर रखा है, सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 8 पीस ईच पीस, मतलब एक पीस के लिए कितना होगा, तो सेम चीज़ वही आपको यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे सारे, लगभग मैंने सारे समझा दिए हैं आपको, मैंने आपको एग्जांपल्स भी आपको पूरे करके दिखाए हैं, तो आपको सबको एक बार सॉल्व करना है, गो थ्रू विद ईच क्वेश्चंस, सॉल्व देम, इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट देन कंसर्न टू मी कि क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं बताऊंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बेसिक बताया था कि बेसिक्स क्या होते हैं, कब ऐड करना है, कब माइनस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है, ये बताया था, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास यहाँ तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशंस, जो जिसको अगर हम नॉर्मल भाषा में राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं, ठीक, नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके देन।